सो गाइस नवरात्रि का मौसम है इसलिए थोड़ा सा डांडिया गरबा करने का मन कर रहा है, बट कोई बात नहीं, आज हम लोग खेल रहे हैं इंडिया वर्सेस बांग्लादेश अगेन। दोनों में कोई लेना देना नहीं है, बट कोई बात नहीं। तो भाई एक बार फिर से हम लोग आ गए हैं जीतने के लिए, क्योंकि भाई जब से हमारा वर्ल्ड कप का टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ है तब से हम लोग ने 3 मैच खेले, तीनों के तीनों जीत डाले। नंबर 1 पे है गाइस इंडिया, नंबर 1 पे। आज सामने है बांग्लादेश की टीम। वर्कआउट सेशन, और यहाँ पे हमारे खिलाड़ी लगे हुए। अबे तू क्या गेम खेल रहा है क्या? उधर बंदा ट्रेडमिल पे दौड़ रहा है और ये गेम खेल रहा है। ये देखो विराट कोहली, रोहित शर्मा सब डंबल ही उठा रहे। भाई डंबल के अलावा और कुछ नहीं है क्या जिम में? मैं भी क्या बोल रहा हूँ यार, डंबल के अलावा और क्या होगा जिम में। और ये है मैच 4 इन कोलकाता। भाई जो जो स्टेडियम में ये, अरे अंकित बयनपुरिया, राम राम शरण है भाई। 75 हार्ड चैलेंज खत्म हो गया क्या? तो भाई इस बार मैं टेल्स ले रहा हूँ, और इस बार देखो मेरा प्लान थोड़ा सा अलग है। पहले जीत जाओ टॉस। जीत गया, टॉस जीतने में क्या है। तो गाइस इस बार हम लोग पहले ले रहे हैं बॉलिंग। जी हाँ, क्योंकि गाइस पहले हम लोग बॉलिंग ले लेते हैं, फिर बाद में सामने वाले को बहुत कम रन बनाने देते हैं, फिर बाद में आसानी से उसको चेस कर लेते हैं। ऐसे में मजा नहीं आता है यार, पूरा मैच प्रेडिक्टेबल हो जाता है। पर आज आप लोग को मैं कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं करने दूंगा। आज मैं पहले बैटिंग करूंगा, एक अच्छा रन बनाऊंगा, उसके बाद ही बॉलिंग करने दूंगा। ओके। और हमारे मैच की पहली गेंद जो की सीधा जाएगी। भाई पहला ही बॉल विकेट। भाई रोहित शर्मा यार आपके साथ क्या हो रहा है सर? ये हमको बहुत बर्दाश्त के बाहर है। हम लोग हर मैच में सोचते हैं कि आज आप आओगे सेंचुरी बनाओगे, और आज आप पहली बॉल में आउट हो जाते हो। कोई बात नहीं, विराट कोहली आते हुए एग्रेशन दिखाते हुए, तेरी और ये पहला छक्का, सॉरी चौका। भाई रोहित शर्मा को आप आउट कर सकते हो, बट विराट कोहली को नहीं कर सकते। एक चौका तो लगाओ जरा। ये लो, अबे ये क्या है? विराट कोहली को, अबे अंपायर तेरे को बहुत उंगली करने की आदत है क्या? खराब हो जाएगा, अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। और गाइस अब केएल राहुल है स्ट्राइक पे, स्टार्टिंग में देखना एक छक्का जाएगा। उठा दिया है 6 रन के लिए। एक ओवर में 2 विकेट चले गया तो फ्लावर समझे क्या? फायर है सूर्य कुमार। ओके, एक और चौका। भाई क्या शॉट मारा है भाई, इधर पीछे की ओर, बॉलर भी देखता रह गया, फील्डर भी। और ये एक और चौका। वाह क्या मुस्कुराहट है। एक और बॉल जो कि जाएगी चौका। भाई नहीं पकड़, ओए कैसे पकड़ेगा भाई। 4 बॉल 4 बाउंड्री, ये है हमारे सूर्य कुमार का पावर। भाई देखो पहले एक बंदे को बुला के ज्ञान दे रहा था ठीक से बॉल डाल, अब 2 जन को बुला के ज्ञान दे रहा है। इसको क्या लगता है इसके ज्ञान देने से हमारी हैट्रिक रुक जाएगी क्या? चौके छक्के की, भाई 5 बाउंड्री चले गई। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने खेला। अब अंकित बयनपुरिया आ रहे हैं बॉलिंग करने के लिए। राम राम भाई सारिया ने, आज मैंने बॉलिंग करी। और ये क्या, पहले ही बॉल पे चौका खा गए, बट हमारे फील्डर ने रोक लिया। बे यार ये अंकित बयनपुरिया इंडियन हो के बांग्लादेश की टीम में क्या कर रहा है? और ये ले, पकड़ना नहीं, पकड़ 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 के दिखा। भाई 40 रन हम लोग ने 11 बॉल में मार दिए, भाई 50 बनने चाहिए थे यार अब तक तो। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। और ये 3rd ओवर की आखिरी गेंद जो कि गया। अबे ये क्या है, अबे आज इतने कैच आउट कहां से हो रहे हैं यार। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भाई ये पार्टनरशिप क्यों टूटी यार, ये पार्टनरशिप नहीं टूटनी चाहिए थी। ये देखो इस तरीके से मेरी जिंदगी की तरह इस मैच का भी डाउनफॉल चल रहा है। एक और चौका। चीटिंग करता है तू। भाई बांग्लादेश से नहीं हारना यार, सही में बहुत बेइज्जती हो जाएगी। और हमारे पारी की आखिरी गेंद जो की जाएगी चौका। ये चौका, ये चौका, ये चौका, ये हुई ना बात। तो गाइस हमने 80 रन बनाए हैं 5 ओवर में, और अब बारी है बांग्लादेश के बैटिंग की। भाई वैसे तो मेरा टारगेट था 100 रन के ऊपर बनाने का, बट कोई बात नहीं, शायद हम जीत सकते हैं। मैं अपना शायद भी वापस ले सकता हूँ, अब हम नहीं जीत सकते। भाई इतना जल्दी हमको हार नहीं माननी है। हार्दिक पांड्या भाई कुछ गेम दिखा। बस फील्डर है ना, बॉल को जाते हुए देख रहा था बाहर। उधर पे क्या पिक्चर लगी थी, बैठ के देख रहे सिर्फ।
वैसे वो क्या कर सकता था भाई, अगर ये मैच हम लोग भी हार गए तो मैं भी क्या ही कर पाऊंगा सिवाय बैठ के देखने के। एक और बॉल जो की जाएगी कैच आउट। ये हम बैठ के नहीं देखेंगे भाई, हम बैठ के तमाशा देखने वालों में से बिल्कुल नहीं है। अच्छा और एक और भाई, ऐसा लग रहा था कि ये बॉल तो उस बैट्समैन का मुंडी उड़ा देती। कम ऑन लेट्स गो। ये बॉय, ये होती है फील्डिंग। ये ओवर तो स्टार्टिंग से लेके अभी तक बहुत अच्छा चल रहा है। स्टार्टिंग से क्या दो ही बॉल हुए, बट दो बॉल बहुत अच्छे हुए। और ये तीसरा बॉल जिसने सारे बॉल्स की कसर पूरी कर दी। भाई प्लीज कोई ऐसा है जो बॉलिंग में प्रो हो WCC में, अगर है तो मुझे कुछ टिप्स दे दो कमेंट में। वैसे तो यूट्यूबर्स लोगों को टिप्स देते हैं, बट ये एक ऐसा यूट्यूबर है जो आपसे टिप्स मांग रहा है। एक और चौका। अरे भाई मैं चौका क्यों बोल रहा हूँ, अबे तुम कैच क्यों नहीं ले पाता है बे? बेकार है भैया, मैं तो टूट गया भाई। अगर WCC 3 होता ना, मैं कैच वाला, मेरे को ऑप्शन आता हूँ, मैं इतना एक्यूरेट कैच पकड़ता हूँ ना, मेरा एक भी कैच नहीं छूटता है। एक और बॉल जो कि छक्का दे दे। और ये भाई ये बॉल तो बिल्कुल चौका नहीं जाएगी, बिल्कुल चौका नहीं जाएगी, सही में चौका नहीं जाएगी, छक्का जाएगी सीधा भाई। फील्ड में एक और बार से छेड़छाड़ करने के बाद एक और छक्का भाई। 78 रन बन गए यार चार ओवर में, अब क्या करें हम लोग। 80 रन का भाई, दो रन कैसे डिफेंड करूंगा मैं पूरे एक ओवर में। खत्म है भाई, अब शामी को उतार के भी क्या मतलब, इसको तो पहले उतारना चाहिए था। दुनिया में कुछ भी गाइस इम्पॉसिबल नहीं है, हम लोग अभी भी चाहे तो इस मैच को जीत सकते हैं। और ये पहले जाएगा, अबे यार अट तेरी। अरे कोहली भैया कंट्रोल, हमारे साथ आपके साथ हमको भी बहुत दुख हो रहा है, बट भाई ये सिर्फ मेरी प्रेडिक्शन थी, कमेंट्स में गालियां मत देना। रियलिटी में शायद हम लोग ये मैच जीत भी सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो टीम इंडिया को जिताने के लिए, 1 लाइक फॉर टीम इंडिया, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।